एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी है इवनिंग का टाइम, इवनिंग का क्या 8 बजने वाला होगा। और मैं यहाँ पर डिनर प्रिपेयर कर रही थी, तो चलिए सबसे पहले दिन बता देती हूँ आज दिन कौन सा है। तो आज दिन है फ्राइडे, तो शाम का टाइम है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, तो वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग ही शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बर्थडे का वीडियो भी पड़ा हुआ है थोड़ा सा। बर्थडे का वीडियो क्या, गिफ्ट ओपनिंग का मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था, मैंने क्या मेरी फ्रेंड ने कर लिया था, तो मैं सोच रही थी इतने दिन से पड़ा है क्यों ना उसको मैं अपलोड कर दूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं सब्जी छौंक देती हूँ, तैयारी मैंने कर ली है, और उसके बाद मैं चेंज करूँगी क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है, इस पर तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो चलिए जल्दी से सब्ज़ी छौंक लेती हूँ, फिर मिलूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैगी, एक तरफ मैंने रख दी हुई है क्योंकि हस्बैंड ने बोला था मैगी खानी है, और इधर डिनर भी प्रिपेयर कर रही हूँ और सब्जी बस जल्दी जल्दी से बना ले रही हूँ। उसके बाद रोटियाँ भी सेक लूँगी क्योंकि हम लोगों को जाना है अभी बाहर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आइसक्रीम लानी है हम लोगों को, तो खानी भी है और लेकर के भी आनी, तो इसलिए जल्दी जल्दी से डिनर बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। अभी सबका डिनर वगैरह हो गया और मैं जा रही थी चेंज करने क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैंगो शेक बनाऊंगी, तो सबसे पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा और लाइट बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, थोड़ी देर के लिए आती है जैसे ही एसी ऑन होता है बस चली जाती है, यही चल रहा है। तो चलिए मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से। तो यहाँ पर मैंने शेक के लिए मैंगोज़ को कट कर लिया और उस पर शुगर ऐड कर दी है, और उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा मिल्क और आइस डाल दूंगी, और फिर बस मिक्सर में हमें चला देना है, कुछ भी नहीं करना है। तो बस यहाँ पर मैं आइस के थोड़े से क्यूब्स डाल दे रही हूँ क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर शेक बन करके तैयार है, बस इसको सर्व करना है, अच्छे से डेकोरेट करना है। तो शेक पे तो क्या है कि आप डेकोरेट करने के लिए कुछ भी जितना भी यूज़ कर लो। तो यहाँ पर मैंने नारियल के जो लच्छे होते हैं उसे यूज़ किया है, और उसके बाद ये चेरी भी है मेरे पास, तो इसे मैं रखती हूँ, इसे डाल दिया है, और उसके बाद आइसक्रीम है। फ्रेंड्स, अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम और जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो करके उठी, और सुबह के बज रहे 7:30 और धूप इतनी ज़्यादा हो गई है, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे अच्छी सी हवा चलती है, तो मैं मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाती हूँ कभी कभी, डेली तो नहीं आती, कभी कभी आ जाती हूँ, जब लेट उठती हूँ तो नहीं आ पाती हूँ, या फिर कोई काम आ गया उठते ही तो फिर नहीं आ पाती, अदरवाइज़ बहुत अच्छी सी हवा मिल जाती है। तो नाइट पे ही मैंने सोचा था कि इस व्लॉग को मैं एंड कर दूंगी, लेकिन लाइट का इतना ज़्यादा ड्रामा हो गया, जैसे ही हम लोगों ने मैंगो शेक बनाया उसके बाद लाइट
इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर गई, 2 बजे तक हम लोग जगते रहे, यही आ रही है जा रही है, एसी ऑन ही नहीं हो पा रहा था, तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और हाँ, आज है फ्राइडे, कल गुरुवार था, थर्सडे था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, मैंने जल्दी में फ्राइडे बोल दिया। तो चलिए, ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, और इसके आगे फिर मैंने हेयर ऑयलिंग की है, क्योंकि इतना हेड पेन हो रहा था कल से कि क्या ही बताऊँ। तो मैंने बहुत सारा ऑयल डाल लिया है अपने हेड पे, और बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला उसके बाद मुझे, तो अभी शाम तक हेयर वॉश कर दूँगी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर, तो यहाँ पर मैं गिफ्ट ओपनिंग की वीडियो डालने वाली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, वीडियोस में ऐड नहीं कर सकती कुछ प्रॉब्लम के चलते, तो मैं इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर अपलोड करूँगी, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए मैं ऐड नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो चलिए, व्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड, और मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो पे। वैसे वीडियो शूट इसीलिए किया था कि मैं वो शेयर कर पाऊँ। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।